शिवभक्ति में लीन अभिनेत्री कंगना रनौत है, जिन्हें बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। सातवीं सदी से पहले बना यह ऐतिहासिक 84 मंदिर है, जहां कंगना ने पारंपरिक पोशाक पहनी और पूजा अर्चना की। अदाकारा से राजनीति की दुनिया में एंट्री लेने वाली कंगना ने यहाँ भगवान शिव की आरती की। आज बारामती से एनसीपी प्रत्याशी सुनेत्रा पवार अपना नामांकन भरेंगी। इससे पहले वो पुणे के श्रीमान डगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे। कल यानी शुक्रवार को देश भर में पहले चरण का मतदान होगा। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पोलिंग टीम हर तरह की व्यवस्थाओं पर अपनी पैनी नजर बनाए है। चुनाव के मद्देनजर ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की हैं, जहां लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए पोलिंग पार्टियों की पहली टीम पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराने के लिए इस टीम पर बड़ी जिम्मेदारी है। इन इलाकों तक टीमों को पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमानों का भी प्रयोग किया जा रहा है। सुरीली तान छेड़ते ही उत्तरकाशी के भूतत्व विभाग के उपनिदेशक गंगाधर प्रसाद हैं, जिन्होंने मतदान के लिए अनोखा जागरूकता अभियान शुरू किया। दरअसल गंगाधर प्रसाद ने मतदान करने के लिए लोगों से गाने के जरिए अपील की, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीरें गढ़वाल में अनोखी भक्ति की हैं, जहां एक पुजारी ने 35,000 चावल के दानों पर प्रभु श्रीराम का नाम लिखा है। इस राम भक्ति की हर ओर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अनोखी कृष्ण भक्ति का यह नजारा दिखा, जहां छात्रा ने भगवान कृष्ण से विवाह रचाया। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ ये विवाह संपन्न करवाया। इस मौके पर मौजूद सभी लोग ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सुपोर की हैं, जहां रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की ओर से खास अभियान चलाया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के विजन से यहां लड़कियों को सैनिटरी पैड बांटे गए। रूस एजुकेशन समिति ने दिल्ली में भारत रूसी शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर रूसी संघ के राजदूत, रूसी संघ के शिक्षा उपमंत्री समेत कई हस्तियों ने समारोह में हिस्सा लिया।